सभी बहन और माताओं से नमस्कार। मैं किशन सिंह जम्बा, प्रदेश महासचिव सरपंच एसोसिएशन हरियाणा। हम सभी से एक बात कहना चाहते हैं कि कलेक्टर साहब को किसी चीज का तजर्बा नहीं है। आप जो माताएं कह रहे हैं उनको बैल चलाने का तजर्बा है, लेकिन खट्टर साहब को तो बैल चलाने का तजर्बा भी नहीं है, क्योंकि शादी उसकी नहीं हुई, बच्चे उसका नहीं है, बेटे बेटी उसका नहीं है। जिसको बैल चलाने का तजर्बा नहीं है और उसको प्रदेश की बागडोर सौंप दी, ये तो हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जैसे कि मजदूरों की तो पूरे प्रदेश में 100-100 गज के प्लाट देने की बात थी, इस अंधेरी सरकार ने 100-100 गज प्लाट देने के कोई काम नहीं किया। 9 साल बीत गए हैं, इसने 100-100 गज के प्लाट देने का काम करना था वो नहीं किया। जिस घर में यदि एक परिवार में 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों की शादी हो चुकी है और एक मकान उसके पिता का है, वो 3 बच्चे कहाँ रहेंगे? 9-10 साल से इसने कोई भी प्लाट देने का काम नहीं किया है। जिसका अपना खुद का परिवार ना हो तो दूसरे के परिवार को क्या जानता है, परिवार क्या चीज होती है। सबसे बड़ा तजर्बा तो इन माता बहनों को है, परिवार क्या चीज होता है, इसको किसी प्रकार का कोई तजर्बा नहीं है। इसी कारण से ये प्रदेश की जनता में हाहाकार हो रहा है। हर जगह यदि कोई मांग मांगता है तो उसको लठ मारने का काम करते हैं। जिस भी संगठन ने आज अपनी आवाज उठाई उसी संगठन को इन्होंने लठ मारने का काम किया। और जैसे नरेगा के मजदूर हैं उनको हम सरपंच एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में 600 रुपये की मजदूरी का मांग कर रखी है पहले से ही, और हम 100-100 गज के प्लाट की मांग करते हैं और मांग करेंगे। जो भी हमारी एसोसिएशन और आपके सभी संगठन इकट्ठे होकर कोई भी कार्य करेंगे उसमें सभी सफल होंगे जब हमारी एकता होगी। हम एक बात और कहना चाहते हैं कि गांव के जितने भी सरपंच हैं आपका सहयोग देंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। जो भी किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत है, सरपंच एक ग्राम सभा और विधानसभा और लोकसभा तीनों के अधिकार बराबर हैं। इन्होंने हरियाणा में संशोधन किया है, 3 बार संशोधन कर दिया, सरपंचों के जितने भी अधिकार हैं उनको खत्म कर दिया। आने वाले समय में सरपंच को खत्म करना चाहते हैं ये सरकार। ये तानाशाह सरकार है, जो भी अपनी मांग मानता है उसी को लठ मारने का काम करती है। और हम सभी संगठन इकट्ठे होके 5 नवंबर को टुहाना में एक बहुत महारैली रखी गई है। हम सभी बहनों को माताओं को ये निवेदन करते हैं कि आप 5 नवंबर को टुहाना में सभी पहुंचे, ग्राम के सरपंच आपको साधन देंगे, साधन की मुहैया ग्राम के सरपंचों से हम कराएंगे। और आप सभी माता बहनों को भाइयों को वहां पे पहुंच रहे हैं, जो भी जितने भी मांगे इन संगठनों की है और सरपंच एसोसिएशन के संगठन की है, हम सारी मांगे इकट्ठी सरकार के उसमें रखेंगे। यदि वो मानेंगे ठीक है, यदि नहीं मानेंगे तो पूरा विरोध करेंगे हम। और मैं कहना चाहता हूं कि सभी जिस आदमी को पंच का तजर्बा नहीं है, उसको सरपंच का तजर्बा नहीं है, उसको ब्लॉक समिति का तजर्बा नहीं है, उसको जिला परिषद का तजर्बा नहीं है, उसको विधायक का तजर्बा नहीं है, उसको सांसदी का तजर्बा नहीं है, उस आदमी को वहां बिठा दिया, उसको किस चीज का तजर्बा है? इस कारण से उसको ना तजर्बा होने के कारण
परिणाम।